हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड इनफर्मेटोजन। एज यू नो, मैं हूँ ममता और मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ ये ऑयल। जैसे कि मैंने बनाना शुरू कर दिया है, आप देख रहे हैं, इसमें मैंने डाली है, इसे कहते हैं अनियन ऑयल। इसमें मैंने डाला है अनियन है, तेज़पत्ता है और इसमें जो है आप देख रहे हैं हल्का गर्म करना है, ये मेथी दाना है और कलौंजी ऐड की है मैंने। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैंने हल्का सा गर्म होते ही तेल में डाल दी है। तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ओवर हीटेड नहीं करना है, आपको बहुत कम गर्म करना है और तभी इसको धीमे धीमे आँच पर इसको पकने देना है तेल को। जैसे हेयर फॉल, बालों का झड़ना, एक आज की तरह आज की जनरेशन के लिए आम समस्या है। बच्चे, बूढ़े पुरुष, लड़के, बेटियाँ बहुत सभी परेशान हैं। गिने चुने बाल रह गए हैं, कम उम्र में बालों का झड़ना, बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जिन जो शादी से पहले ही अपने बालों को गंवा चुके हैं। जी हाँ, हेयर फॉल की समस्या अकेले नहीं आती है, साथ में सिर की त्वचा या स्केल से जुड़ी समस्या जैसे डैंड्रफ, कंचापन, बालों का पतला होना, सफ़ेद होना जैसी समस्याएं भी साथ में लेकर आता है। तो उनके लिए तेल जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। का पोल्यूशन और पानी आम समस्या है और बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है हमारा पानी। तो बालों को बचाने के लिए आप हेयर मास्क, हेयर को बचाने के लिए जो हेयर मास्क भी लगा सकते हैं, कैप पहन सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि धीमे धीमे आंच पर हमें इसको पकाना है। और इसके अलावा पानी, कठोर पानी है, प्रदूषित पानी, इसके से बालों के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सिर्फ बालों के लिए, कमज़ोर और बेजान बनाने के लिए ही नहीं, तेल या सीबम को भी खत्म कर देता है ये। बालों के अंदर से जो है ना सारा प्रोटीन खत्म कर देता है और उसको जो है ना आसानी से टूटने लगते हैं बाल। हम प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और बालों को अच्छी देखभाल और प्राकृतिक उपचार की ज़रूरत है। आप अनेकों घरेलू उपचार अपना चुके हैं, अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है, नहीं मदद मिल रही है, तो आप ये डालें। देखिए, तो सामान मैंने डाला है इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब इसमें ये ऑलिव ऑयल डाला है, मेरे पास थोड़ा सा बचा था, ज़्यादा नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में है तो प्लीज़ इसमें डाल लीजिएगा। और जब ये पक्का ठंडा हो जाए तो इसमें कैस्टर ऑयल कम से कम, जैसे क्वांटिटी के हिसाब से आप डाल और बढ़ा सकते हैं। इसमें कम से कम मैंने 1 बाउल के करीब ये तेल लिया है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ही ऑलिव ऑयल डाला है। आप जितना चाहे मर्जी मिला सकते हैं। और कैस्टर ऑयल इसके अंदर, जैसे ये जितना मैंने क्वांटिटी दिखाई है आपको, अब देखिए ऑनियन जो है बिल्कुल ब्राउन हो गई है और अब आप देख सकते हैं कि ऑयल कितना अच्छा हो रहा है। हल्का हल्का हिला ही है अभी तक भी, क्योंकि मैंने तेज आंच पे नहीं पकाया है सब कुछ। और एक बहुत अच्छी बात जो है वो मैं बताने जा रही हूँ, जैसे अब इसके बाद आप चाहे कढ़ी में तड़का लगाएंगे, किसी सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे, तो ये अनियन बहुत अच्छी पक चुकी है। इसमें से जितना स्ट्रेस निकलना था निकल चुका है बालों के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि इस प्याज को निकाल लीजिए। अच्छा, ये मेथी दाना वगैरह भी मैं ठंडा करके छान लूँगी। इसमें दूसरा प्रोसेस मैं जो करूँगी बालों के, इसके ऑयल के साथ, वो आप देखिएगा। मैं इसको ऑयल को छान ले रही हूँ और ये इसके अंदर से ये मेथी, कलौंजी, ये सब निकल जाएंगे। ये सब निकालने के बाद मैं इसको, मेरे पास जैसे तेल मैंने बताया आपको कम क्वांटिटी में मैंने तेल पकाया है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि अब ये सब निकालने के बाद मैं जो है इसको छान लूँगी, ठंडा कर लूँगी थोड़ा सा। और इसको छानने के बाद मैं जो है इसके अंदर एक आंवला डाल के फिर उससे इस तेल को पकाऊंगी। जी हाँ, मैंने आंवला ग्रेट करके रखा हुआ है, तो मैं वो आंवला इसके अंदर डाल दूँगी। ये सारा कुछ निकाल के देखिए, मैंने छान लिया है तेल को, मैंने दोबारा डाल दिया है, मैंने मेथी दाना हटा दिया है, उसको हम किसी भी सब्जी के फ्राई करने में ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने आंवला पकाना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये बुटली है इसकी, मैं इसको भी इसके अंदर डाल के पका रही हूँ, क्योंकि ऑयल आंवले के जो है ना गुटली से लेके बीज से लेके हर चीज़ में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। फलों का झड़ना रोकता है जैसे कि आप जानते ही हैं, और ग्रोथ को बढ़ाता है, विटामिन ई पाया जाता है इसके अंदर। आंवले के प्रयोग से बालों का झड़ना कम होता है और हेयर एजिंग में लाभकारी है, स्केल को स्वस्थ बनाता है, बालों को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। बेटे हों, बेटियां हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सभी का लुक्स जो है मेकअप से नहीं आता है, सर के बालों से भी आता है। जी हाँ, बालों का बढ़ाना हो या बालों की देखभाल करनी हो तो अब देखिए आप ऑयल
तैयार हो चुका है। आपके घरेलू और भरोसेमंद नुस्खा है ये। बालों के ग्रोथ को कई वर्षों तक से उपयोग किया जा रहा है। बालों के झड़ लायक और